माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपमास वर्ल्ड। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके सामने लेके आई हूँ गाजर के हलवे की रेसिपी, जिसको खाना सभी को बहुत पसंद होता है। बच्चे बड़े सभी को गाजर का हलवा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो बाजार का टेस्ट होता है ना, शादी पार्टियों में जो गाजर के हलवे का टेस्ट है, वही आज हमने घर में बना के तैयार किया है। इसको खा के एकदम सबने ऐसा कहा कि बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे बाजार का हलवा खा रहे हों। इसको ना कोई मावा यूज़ किया है, ना कोई घंटों हमने घिसने की मेहनत की है गाजर को, और झटपट मिनटों में बनके तैयार हो जाता है। और टेक्सचर आप देख ही रहे हैं, कितना अच्छा जूसी और दानेदार हलवा बनके तैयार हुआ है, वो भी एकदम यूनिक स्टाइल में और बहुत ही इजी एंड क्विक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमने 1 किलो गाजर ले लिया है, उनको अच्छे से वॉश करके छील के ले लिया है और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो इनको इसी तरह से छोटे छोटे पीस में कढ़ाई में डाल के भी कर सकते हैं, बट आज मैं इनको चॉपर में हल्का सा चॉप करके इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने सारा अपनी गाजर को चॉप करके तैयार कर लिया है। और इस ऐसी चॉप गाजर से ही हम आज गाजर का हलवा बनाएंगे। तो घंटों का काम मिनटों में हो गया है, ना कोई घिसना ना कोई मेहनत, और चॉपर पर डाल के बहुत जल्दी आसानी हो गई है। अब यहाँ 15 से 20 काजू और 15 से 20 बादाम ले लेंगे, जिनको हम पहले ही रोस्ट कर लेंगे। कढ़ाई में हमने 2 टेबल स्पून घी डाला है और इसमें अब हम ड्राई फ्रूट रोस्ट कर लेंगे। रोस्टेड ड्राई फ्रूट का हलवे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और एकदम क्रंची सा टेस्ट आता है। तो सबसे पहले काजू और बादाम को रोस्ट करके निकाल लेंगे। ये देखिए, हल्का सा रोस्ट करेंगे, ज़्यादा जलाना नहीं है। निकाल लिया हमने, अब हम इसी कढ़ाई में देसी घी में ही अपनी गाजर को रोस्ट करेंगे। घी में गाजर को रोस्ट करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ज़्यादा घी नहीं डालना है, वही 2 टेबल स्पून जो घी था ना, उसी में बस हमें गाजर के हलवे को अपना इस तरह से लगातार चलाते हुए रोस्ट करना है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है और लगातार चलाते हुए हम अपनी गाजर को भूनना है। और इस तरह से चलाते हुए हमारी गाजर हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी। जब हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी तभी हम इसमें दूध ऐड करेंगे। और जो हलवाई लोग होते हैं ना, 1.5 किलो गाजर में 0.5 किलो दूध का यूज़ करते हैं, तो यहाँ मैंने 1 किलो दूध लिया है, तो 0.5 किलो से थोड़ा कम मैंने दूध यूज़ किया है। दूध आप कैसा भी ले सकते हैं, कच्चा या उबला। मैंने यहाँ उबला हुआ दूध लिया है, मलाई के साथ ही ले लिया है। 1 ग्लास मैंने इसमें दूध डाला है 1 किलो गाजर में। ज़्यादा दूध नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा ही डालेंगे। अगर ज़्यादा डाल देंगे तो उसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उस दूध को सोख करने में बहुत टाइम लगेगा। तो इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए कितना अच्छा बॉयल आ रहा है और ये दूध हमारा पक पक के एक तरह से खोए का टेस्ट देगा हमारे हलवे में। एक क्रीमी सा खोए का टेस्ट आएगा इस दूध की वजह से हमारे हलवे में। और लगातार चलाते हुए जब तक ये सारा दूध अच्छे से सोख नहीं हो जाता तब तक हमें कुक करना है। और ये अब हम चेक कर लेंगे, हल्की सी गल गई है हमारी गाजर, तो इसमें अब हम यहाँ चीनी ऐड करेंगे। आप चाहें तो चीनी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ देसी खांड यूज़ की है। तो 1 किलो दूध में तकरीबन 1 कप हमारी चीनी जाएगी। यहाँ मैंने देसी खांड यूज़ की है, आप चाहें तो मिश्री या चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 1 कप देसी खांड डाली है। आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से लगातार चलाते हुए अब हमें इसे पकाना है। गाजर देखिए हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। अब पोटैटो मैशर से हम इसको मैश करके इवन सा कर लेंगे। ये जो बड़े बड़े चंक्स हैं ना गाजर के, उनको हमें इवन करना है ताकि देखने में लुक वाइज हमारा हलवा एकदम मिक्स इवन सा लगे और हल्का सा क्रंची सा टेस्ट, हल्का सा जो जूसी और दरदरा सा पन आता है ना गाजर के हलवे में, वो आ जाएगा, इवन सा हो जाएगा सारा हलवा। तो एक जैसा हलवा बनाने के लिए इस तरह से पोटैटो मैशर से हमने हल्का सा मैश कर लिया है। अब 2 हरी इलायची को क्रश करके इसमें डाल दिया है। ये देखिए दूध भी हमारा ऑलमोस्ट सारा सूख गया है। और अब इसमें थोड़ी सी किशमिश ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। तो इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे। और ये 1 कप मैंने मिल्क पाउडर ले लिया है, सॉरी 0.5 कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है और 0.5 कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर से वही हलवे में खोए वाला टेस्ट आएगा जैसा बाजार के हलवे में आता है। तो थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से लगातार मिक्स करेंगे
और अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए कलर आपको थोड़ा चेंज लग रहा होगा, वो थोड़ा स्टीम की वजह से, कैमरे के सामने स्टीम हो जाती है ना, उसी वजह से थोड़ा सा हो जाता है। अब यहाँ ड्राई फ्रूट जो हमने अच्छे से रोस्ट करे थे उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के ले लिया है, काट के ले लिया है चॉप करके, तो वो भी हम इसने ऐड कर दिए हैं, थोड़े से हमने बचा लिए हैं बाद में गार्निशिंग के लिए। ये देखिए हलवा बनके हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है और इसका सारा मॉइस्चर भी गायब हो गया है, सारा दूध अच्छे से गायब हो गया है और ये अच्छे से बन के तैयार हो गया है हमारा हलवा। और जब हलवा इस स्टेज पर बहुत अच्छे से बन जाए तब हमें इसमें 2 टेबल स्पून देसी घी ऐड करना है। घी से एक तो टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाएगा और लुक वाइज भी हमारा हलवा शाइनी और सुंदर लगेगा, जैसे बाजार का हलवाइयों वाला जो हलवा होता है ना, वही वाली लुक आएगी हमारे हलवे में, और खाने में तो ऑब्वियस है लाजवाब होगा। तो फ्रेंड्स एक बार आप भी इसी तरह से यूनिक स्टाइल में गाजर का हलवा बना के तैयार कीजिए, और ये इतना जल्दी बन जाता है ना कि आधे घंटे के अंदर आपका हलवा बनके तैयार होता है, टेस्ट में तो ज़बरदस्त है। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से एक बार गाजर का हलवा बना के ज़रूर ट्राई कीजिए, आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। और इस तरह से हमने गाजर का हलवा बना के तैयार कर लिया है और अब इसको हम सर्विंग बाउल में डाल लेंगे। तो देखा आपने, ना घंटों घिसना, ना घंटों मेहनत घिसने की, और ना ही इतनी देर पकाने की, ना ही खोआ यूज़ किया है हमने, कोई भी बाजार का कोई भी मिलावट यूज़ नहीं किया है। अब इसको गार्निश कर देंगे ड्राई फ्रूट से, थोड़े से जो हमने बचा के रखे थे वो हमने इसके ऊपर डाल दिए हैं, और देखने में लुक वाइज इतना सुंदर लग रहा है ना कि ऐसा मन कर रहा है कि अभी खा लें बस। तो फ्रेंड्स अगर आपके भी मुँह में देख के पानी आ गया है तो फटाफट से जाइए और आप भी इसी तरह से कमाल का गाजर का हलवा बना के तैयार कीजिए और ख़ुद भी खाइए और अपनी फैमिली को भी दीजिए। तो फ्रेंड्स आई होप आप सबको मेरा ये यूनिक स्टाइल अच्छा लगा हो। तो इसका टेक्सचर आपको मैं दिखा देती हूँ, कितना ज़्यादा जूसी और दानेदार हलवा बन के तैयार हुआ है, जैसा कि शादी पार्टियों में खाते हैं और हलवाई बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है। तो आई होप आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।